हम सभी भारत माता के पुत्रों के लिए एक सुखद अवसर आया हुआ है। हमारी सैकड़ों वर्षों की हमारे सामाजिक धार्मिक क्रांतिकारियों की तपस्या का एक परिणाम राम मंदिर का भव्य निर्माण 22 जनवरी को होने जा रहा है, जिसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पूजन का कार्यक्रम है। हम सभी भारतीयों को समग्र सामाजिक धार्मिक व्यवसायिक शैक्षणिक भारत माता के प्रति भक्ति के भाव रखने वाले एवं राम के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले समाज के लोगों से मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार से संपूर्ण समाज आज पूरी दुनिया के अंदर राम के प्रति अपनी आस्था विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए सबको सक्रिय करके आगे बढ़ रहा है, हम सभी लोग अपने को उसमें भागीदारी निभाते हुए हम सब एक दूसरे का उत्साह वर्धन करते हुए घर घर जो निमंत्रण अच्छा चावल लेकर के जा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को देना, उनसे यह आग्रह करें कि जो भव्य राम मंदिर का निर्माण 22 तारीख को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उस दिन हम सब अपने घरों में राम ज्योति जरूर जलाएं, संपूर्ण समाज को और अपने करते हुए अपने पास पड़ोस के लोगों को भी यह आग्रह करें। सभी संगठनों से मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग मिलकर के 22 तारीख को जो कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का होने जा रहा है वही भव्यतम कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए, जो भगवान राम का जीवन रहा है समरस जीवन, समरसता का जीवन, समन्वय का जीवन, एक संगठनकर्ता के रूप में भगवान राम का जीवन हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणादायी जीवन है। निश्चित रूप से हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए और उनके काम को जो बताए हुए, जैसे हनुमान जी राम के लिए काम किए उसी प्रकार से आज हम सब भी विद्यावान गुणित चातु राम काज करवे को आतु, यह भाव रखते हुए हनुमान जी की तरह काम करें, यही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।